चीज हटा दें, तो मैं देख रहा हूँ मुझे उलझन हो रही है। इसलिए तो जाते हैं, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो। देखिए फोन आया था, हमारी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब इशा के बाद हो गई थी और वो मुझे याद फरमा रही हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकता मैं आपकी खिदमत करके अच्छे शेर आपकी समातों के हवाले करके मैं जाना चाहता हूँ, और जितना चाहे आप हमसे पढ़वा सकते हैं, इससे भी कोई हमें इनकार नहीं है। इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं, दोज़ख मदीने में, इसलिए तो जाते हैं, दोज़ख मदीने में, इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं, नवाजिशों का। कि इसलिए तो जाते हैं, जितनी देर नाथ सुनो उतनी देर सुभान अल्लाह कहते रहे। यहां रहमत के फरिश्ते मौजूद हैं, वो गवाह होंगे परवरदिगार, जब मैदाने महशर में वो गवाह होंगे, आपकी बख्शिश का जरिया हो जाएगा, सुभान अल्लाह कहते रहे जी। कि इसलिए तो जाते हैं, मदीने में, इसलिए तो जाते हैं, दोज़ख़ मदीने में, मुज़्तफ़ा बनाते हैं, अरे जन्नती मदीने में, मुज़्तफ़ा बनाते हैं। रसूल की क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, यह मुलाहिदा करें। पूरा मजमा हाथ उठा के नबी के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, शेर इतना अच्छा है कि सुनने के बाद कोई आशिक रसूल उठेगा, नारा बुलंद करेगा, उस नारे का जवाब सारे लोग देंगे। हाजिर कर रहा हूं, शेर पढ़ रहा हूं। कि आप अगर बुला लेंगे मदीने में, आप अगर बुला लेंगे या नबी मदीने में, आप अगर बुला लेंगे या नबी मदीने में, उम्र भरे करूंगा मैं नौकरी या रसूल अल्लाह। उम्र भर करूंगा
बाद गूंगा भी बोल सकता है। शेर सुनिए। अपने घर की चौखट को, अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा, अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा, ये अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा, ये मुस्तफा मुस्तफा आता कर दे झोपड़ी लेके जो नाते पाक के मिसरे।